हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी शॉर्ट व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू मैं हूं आपका फैंटेसी हो सुरक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे मैन सिटी वर्सेस सेडी और वुल्व्स इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग सो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको देंगे दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइन ब्रीफली बात करेंगे टैक्टिक्स की फिर आएंगे फैंटेसी कॉम्बिनेशन पे शॉर्ट एंड क्रिस्प सो मैन सिटी आर करंटली सेकेंड इन द टेबल जबकि वोल्वस आर करंटली इन सिक्सटीन पोजिशन जब से वोल्वस के नए मैनेजर आए हैं जूलियन डोपेटेगोई उनकी फॉर्म हैज बीन रिसेंट

दे आर क्लियर फेवरेट इन माई ओपिनियन अगर स्कोलैंड प्रिडिक्शन आप मांगे आई विल गो फॉर अ थ्री सिटी वेन लेट एस गो टू द प्रोबेबल लाइनअप टीम तो पहले बात करते हैं हम मैन सिटी की टीम की दे विल सेट अप आई डोट नो इन वॉट सिस्टम बिकॉज वेब गाड़ीवाला को बहुत मुश्किल है रीड करना जांच पर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लेयर्स आपको शैडो में दिखेंगे बट डेफिनेटली सर्टन प्लेयर्स जिनको पेप गाड़ीवाला ने प्रेज किया था जरा समय जिनको वो ट्रस्ट करते हैं जो करंटली अच्छा खेल रहे हैं एंड आई थिंक वो टीम में लेट्स स्टार्ट विद लेट विदर एडिसन शुड बी द कीपर आई थिंक डिफेंस सबसे ट्रिकी है आई थिंक अकांजी और स्टोन से इस मैच में स्टार्ट कर सकते हैं अकांजी इस जिन्होंने एक्चुअली लास्ट के कुछ मैचेस लगातार स्टार्ट करे हैं तो ऑफ ऑल द डिफेंडर्स मेरे को लगता है उनका स्टार्ट करने का चांस सबसे ज्यादा है स्टोन इज बैक फ्रॉम इंजरी एंड आई थिंक रूबन एंड लपोट ऑल दीज प्लेयर्स थोड़ा आउट ऑफ फेवर है विद गार्डियोला सो आई थिंक दिस कुड बी योर सेंटर बैक पार्टनरशिप दोनों आपको काफी अच्छे पासिंग पॉइंट अच्छे पॉइंट डिफेंडिंग पॉइंट एंड हेडर

जो इनका लेफ्ट यू कैन से मिडफील्ड एरिया है यहाँ पे बर्नाडो सिल्वा गुंडोगान लास्ट मैच में जैक ग्रेलिश ये सारे प्लेयर्स खेले थे अगेन इट डिपेंड्स कि क्या सिस्टम गाड़ी खिलाएंगे ये भी हो सकता है कि गुंडोगान खेले और ग्रेलिश आगे लेफ्ट विंग रोल पे खेल सकते हैं अगर आप फ्रंट लाइन पे आते हैं हॉलैंड विल स्टार्ट मारेस की फॉर्म हैज बीन सो गुड लास्ट मैच में भी उन्होंने अगर आप देखें दो गोल स्कोर किए तो ही संबंध जो डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट इस मैच में स्टार्ट करेंगे लेफ्ट विंग आई थिंक इज द ओनली एरिया जहां मुझे लगता है कि बहुत सारा आई थिंक वेरिएशन हो सकता है देर इज अ चांस कि तीन प्लेयर में से एक स्टार्ट कर सकते हैं जूलियन जो लास्ट मैच में गोल स्कोर किया था फिल फोर्डन जो बहुत मैचेस स्टार्ट नहीं करे हैं नॉर्मली लेफ्ट विंग पे खेलते हैं एंड अफकोर्स जैक ग्रेलिस जो मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं और विंग पे भी खेल सकते हैं अब चलते हैं हम वोल्वर हैम्पटन वॉन्डर्स की प्रॉबेबल इलेवन पे दिस इज आई थिंक स्लाइटली इजियर बट इनकी भी फ्रंट लाइन में आप कुछ चेंजेस देख सकते हैं एनी वेज लेटर स्टार्ट द बैक वोजेसा विल बी द गोलकीपर बैक फोर में बात करें यू हैव किलमेन एंड कॉलिस्ट दो रिलायबल सेंटर बैक्स हैं आपको डिसेंट पॉइंट्स दे सकते हैं स्पेशली अगर आप मैक्स किलमेन की बात करें जिनके जो डिफेंसिव नंबर्स हैं आर वेरी वेरी गुड अगर आप इन बैक फोर को ओवरऑल देखेंगे तो नेल्सन सेमेडो के टैकल एंड नंबर है आपको काफी ओवर दिखेंगे स्पेशली अगर ग्रेलिश स्टार्ट करते हैं देन आई थिंक मैं थोड़ा सेमेडो को और प्रेफरेंस दूंगा बिकॉज ग्रेलिश संबंध जो काफी अच्छी ड्रिबल करते हैं फिर ट्राई करते हैं ड्रिबल करने का ही टेक्स ऑन प्लेयर्स सो आई थिंक उनको टैकल करने का चांस काफी अच्छा मिल सकता है हुगो बोन और सम्मान जो आई थिंक अगर आपको इन तीनों में से अटैकिंग पोटेंशियल चाहिए ही कुड बी वन बिकॉज ही सबसे ज्यादा एडवांस एरियाज में ऑपरेट करते हैं मिड फील्ड में प्लेयर जो मुझे अच्छा बैलेंस देते हैं डिफेंस और अटैक में बट रूबरस मेन प्लेयर फॉर वो ही समझ पासिसंप्लीट करते हैं डिफेंसिवली टैकल इंटरसेप्शन वाइज इनके आस भी कोई नहीं है अगर आप बाकी वोल्स प्लेयर देखेंगे ऑल्सो ऑन फ्रीकेक्स ऑल्सो ऑन पेनल्टीज मस्ट है इस टाइप ऑफ मैच में आई थिंक जो लेफ्ट विंग रोल है वस अगेन न्यू साइनिंग लेमीना हु प्ले फॉर फुलम यू टू प्ले फॉर साउथहम्प्टन वेरी गुड डिफेंसिविट फील्डर सो आई थिंक अगर आप पॉइंट लेना चाहते हैं प्लेयर पर फ्रॉम अ टैकल एंड पॉइंट ऑफ व्यू ही कुड भी द वन उनकी जगह जॉम मोटी भी खेल सकते हैं अगर आप फ्रंट थ्री में बात करें यहां आपको चेंजेस देख सकते हैं बिकॉज वुल हैव साइन प्लेयर्स इंक्लूडिंग पाबलो सराबिया जो पी एच डी में खेलते थे मार्टियस कूनिया जो एथलेटिको मड्रिड में खेलते थे एंड लेफ्ट पे मोस्ट एक्टली खेलेंगे डेनियल पोडेंस नाउ पोडियसलीटल भी एक वो काफी अगर आपको एक अगर आप तो आप पंट लेना है थोड़ा रिस्क लेना है मार्टियस कूनिया और सराबिया दोनों की पैटेगरी इज एबली वर्ल्ड क्लास मेरे हिसाब से तो दोनों के ऊपर ले सकते हैं बट ऑब्वियसली नेगेटिव यह है दोनों ने अभी तक इस लीग में अडेप नहीं किया है नाउंड

आई थिंक इवन अगर लेट्स से मैन सिटी इस मैच में दो तीन चार गोल मारती है आई विल स्टिल बैक कि अर्लिंग हार्लैंड मोस्ट ऑफ द गोल्स में इन्वॉल्व हो बट मारे की जो करंट फॉर्म है वाइस कैप्टनसी हाईलाइट करती है, है कि ही इज इन सच गुड फॉर्म नॉर्मली आई वुड गो फॉर डिब्रोयना बट डिब्रोयना आई एम नॉट इवन चो स्टार्ट करेंगे फॉर्म थोड़ी इफी है ऑलवेज अ ग्रेट ऑप्शन सो आई डोंट माइंड अगर आप सेफर जाना चाहते हैं डिब्रॉयना को वाइस कैप्टनसी दें बट करंट फॉर्म में मार उसके बाद रॉड्री एन अदर प्लेयर जो आई थिंक अपने आप पिक करते हैं हमारी टीम में बिकॉज इन रिसेंट परफॉर्मेंस आर सो गुड डिफेंस में थोड़ा और ट्रिकी हो जाता है आप देख सकते हैं मैंने दोनों फुल बैक्स सॉरी एक फुल uh, बैक uh, को लिया है और दो सेंटर बैक्स को लिया है गॉन फॉर एंड अकांजी जो आपको भर भर के पासिंग पॉइंट्स दे सकते हैं रिकोल काफी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हैं राइट बैक खेलते हैं बट इस संबंध जो एक ट्रेडिशनल राइट बैक नहीं है जो यहाँ पे आगे रन बनाते हैं ये संबंध जो नॉर्मली सेंट्रल मिडफील्ड में आते हैं चांसेस क्रिएट करते हैं टैकल करते हैं एंड काफी पासिस भी कंप्लीट करते हैं रिकोलो पिक किया है अगर आपको नेथन लेना है वर्ल्ड परूबर सेराबिया पे ना पाबलो सराबिया एक भी मिनट प्रेमी लीग में नहीं खेला है बट मुझे लगता है कि जो इनका फ्रंट थ्री है इनमें क्लास सबसे जिनके ऊपर आप पंट ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा सेफर जाना है सराबिया की जगह आप पोडेंस ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा और लेट से डिफेंसिव पॉइंट चाहिए जगह माथियस नूनेस को भी ले सकते हैं जो मुझे एक प्लेयर है पर्सनली काफी पसंद है अगर आपको बहुत ज्यादा ग्रैंडली ग्रिस्ट चाहिए माथियस कूनिया नाम का जो स्ट्राइकर है जो शायद स्टार्ट करे उनके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं सो मैन सिटी मैचेस बहुत ट्रिकी होते हैं बट वी हैव ट्राइडो एक प्रोवेबल लाइनअप का सेट कुछ और बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन दे कोर्स अपडेटेड कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कॉमेंट में एज वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच स्टे सेफ यू सुन जय